अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोग के। अच्छा आज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो आज हमारे साथ एक गेस्ट भी आए हुए हैं, तो हमने कहा इसके साथ आज पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। और आगाज में हमारे साथ है अरसलान जोखियो। अरसलान जोखियो भी यूट्यूबर है मेरी तरह एक, हम दोनों अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी कुछ अचीव किया अरसलान ने भी, कुछ मेरा भी थोड़ा सा अचीवमेंट हो गई है। तो आज अरसलान जोखियो बताएगा अरसलान जोखियो करता क्या है। बेसिकली ये पाकिस्तानी हिचहाइकर है और शायद ही मेरे ख्याल में कोई इस लेवल पे, जिस लेवल पे हिचहाइकिंग पाकिस्तान में कोई कर रहा है प्रोफेशनली, जो एक अच्छे तरीके से कर रहा है, वो अरसलान जोखियो भी कर रहा है। और किस तरह ट्रैवलिंग करते हैं और क्या करते हैं, आज की पॉडकास्ट में अपनी पूरी डिटेल बताएंगे। और क्या जर्नी थी इनकी, यूट्यूब कैसे स्टार्ट हुआ और किस तरह से इनको रास्ते खोले इनके। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि जी हम सफ़र करना चाहते हैं, पैसा नहीं है, बजट नहीं है, तो आज सोल्यूशन भी अरसलान में ही दे देंगे आज। तो चले भाई अरसलान में क्या चाल है आज आपका। शुक्र है अल्लाह का। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा राहील भाई का कि उन्होंने टाइम दिया और थोड़ा सा मौका मिला कि आप लोगों को बताने का कि जो राहील भाई को फॉलो कर रहे हैं कि ट्रैवलिंग, क्योंकि राहील भाई भी ट्रैवलिंग बहुत कर रहे हैं, आप लोग चेक करते रहते हैं, अभी माशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रिप्स लगा के आए हैं। तो मैंने इनके साथ, ये मुझे भी फॉलो देखते रहते हैं, इनको पता है मेरे बारे में। तो मैं जो ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरा जो शौक है वो है हिचहाइकिंग। और हिचहाइकिंग सिर्फ शौक ही नहीं, अब मेरा पैशन भी बन चुका है। और मैं आपको पहले बताता चलूँ, हिचहाइकिंग कहते हैं फ्री में ट्रैवल करना, लिफ्ट ले लेके ट्रैवल करना। लोगों के कान खड़े हो गए, फ्री में ट्रैवलिंग, हिचहाइकिंग क्या चीज है ये भाई। तो अरसलान बताएं तो हिचहाइकिंग क्या है, फ्री में लोग किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं। देखें एक्चुअली पहले तो इसका शुरू क्या है, देखें ट्रैवलिंग के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें जो कि मैं मानता हूँ। एक तो आपके पास टाइम होना चाहिए, सही है, जो कि बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमारे बापों के लिए टाइम नहीं है, तो वो ऐसी बातें बड़ी है वो चल रही है। तो दूसरी चीज होती है आपके पास पैसा होना। ट्रैवलिंग एक मुझसे पूछो अभी ट्रैवलिंग एक शौक है लेकिन महंगा शौक है। महंगा शौक, ये तो बात है, तो ये मैं कह सकता हूँ, आप नहीं कह सकते महंगा शौक है। नहीं नहीं, जब मैं स्टार्ट करने लगा था ना, तो उससे पहले मुझे ये अंदाजा हुआ कि यार ये बड़ा महंगा शौक है। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब कुछ और तरीका देखना पड़ेगा कि किसी और तरीके से ट्रैवल करना पड़ेगा। सही, सही। तो हुआ ये था कि मैंने आज से कोई तकरीबन 8 महीने पहले एक दोस्त की पोस्ट पे चेक किया था, उसने लिखा था कि यार काश ट्रैवलिंग फ्री होती। सही सही। अब उसने वो बात तो बड़ी अच्छी की, क्योंकि वो कह रहा था, मिस कर रहा था यार हमारे पास क्या है यार, ट्रैवलिंग फ्री नहीं हो सकती, ट्रैवलिंग फ्री होती मैं पूरी दुनिया से घूमता रहता। तो वो चीज मेरे क्लिक कर गई यार, काश वाला वर्ड क्या है। मैंने कहा तो अगर ट्रैवलिंग फ्री का मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि फ्री ट्रैवलिंग किस तरह कर सकते हैं, क्या स्पॉन्सर ले लें किसी से वो, लेकिन आपको स्पॉन्सर को, लेकिन मसला ये स्पॉन्सर कोई आपको करता नहीं ऐसे जब तक आपके पास नंबर ना आए। वो चीज भी थी। तो मैंने कहा, तो मैंने वो, क्योंकि यूट्यूब पे आपके पास सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं ना, वो तो हर किसी ने ऑप्शन डाले होते हैं, तो ये एक ऑप्शन मुझे बड़ा क्लिक किया हिच हाइकिंग। और मजे की बात है कि इसको इंटरनेशनली लोग भरपूर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी ने स्टार्ट ही नहीं किया। पाकिस्तान में अभी अरसलान भाई जो है इसको काफी प्रमोट कर रहे हैं, और इनका भी जो अभी आपको थोड़ा सा अपना बताने के बाद आगे को भी बताएंगे किस तरह इनका जो भी आगे जो एक ग्रैंड जो हिच हाइकिंग प्लान है इनका, वो भी अभी भी डिस्क्लोज करेंगे। तो बाकी अच्छा, मेरा जो फर्स्ट ट्रिप था ना, वो मैंने अपना टफ और थोड़ा सा गर्म मौसम में किया, और था भी वो नगर पार्कर थर पार्कर का। और लोगों ने मुझे यही कहा कि भाई थर में जा रहे हो आप ऐसे लिफ्ट ले लेके, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, और सबसे बड़ी बात उस वक्त बारिश का मौसम नहीं था, थर में जाके करोगे क्या, थर पार्कर। मैंने तुम्हारी जो पहली वीडियो डिस्क्लोज की थी, एक तो तुम्हारी वो अवतार ड्राइव वाली थी, और सेकंड वो उसके बाद मैंने देखी एक ना, तो मैंने कहा बंदा सही काम कर रहा है। फिर मैंने कुछ चैनल नहीं देखा, तो वो शायद आईडी से थी क्या, आईडी से थी, फिर वो फेसबुक पे थी वो। हाँ, फिर उसके बाद मैंने तुम्हारी ये नगर पार्कर वाली पहली एपिसोड देखी, तुमने 2-3 डाले थे, पहले डाली तुमने 2-3 डाले, तुमने दूसरे का मैंने वेट किया, मैंने कहा यार ये बड़ा सस्पेंस कर दिया, नगर पार्क में जाके करेगा क्या। तो इसकी काफी इंटरेस्टिंग होती है कि कुछ पता नहीं होता आगे जाके क्या हो रहा है, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर एक प्लान ट्रैवल होता है कि यार यहाँ से जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे, उसके थ्रू जाएंगे, यहाँ पे आपको ये स्टॉप मिलेगा, इसका कुछ नहीं पता होता कि यहाँ से चलो निकल तो गया ही है, तो आगे कहाँ पहुंचेगा, कितने दिनों में पहुंचेगा, ये भी नहीं पता होता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस इसकी होती हैं। अच्छा, मजे की बात, बहुत सारे दोस्त अच्छा मुझसे ये कह रहे थे कि भाई क्यों जा रहा हूँ। अगली चीज, मैं क्वालिफिकेशन के लिहाज से मैं इंजीनियर
सही। फिर मेरा फोटोग्राफी का भी साथ साथ जॉब चल रहा है, मैं तो मेरे पास टाइम निकालना, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई पागल हो गया क्या करेगा, कि धंधा छोड़ देगा सब कुछ कर देगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो लेकिन मेरा शौक, मेरी जिंदगी में पैशन बहुत है ट्रैवलिंग का, तो भाई मैंने कहा नहीं भाई इस ऑप्शन को अपनाना है, करना तो ये है। तो अभी तक साल हो गया नहीं, अराउंड कोई आठ सात आठ महीने हो रहा है, सात आठ एक महीने होने वाले हैं। और मैं अभी गोरख जो गोरख हिल बड़ा मशहूर जगह है हमारी सिंध की, सिंध की जो फेमस आप कह लो कि मरी कहलाता है, सिंध का मरी कहलाता है, उसमें गोरख में मैं होके आया हूँ 240 रुपीज में, 240 रुपीज, और वो भी 240 रुपीज में कुछ ऐसा हो गया था, मैंने एक वक्त नाश्ता खा लिया तो एक वक्त खाना खाया था, बाकी तो मुझे वहाँ मेहमान नवाजी और ट्रैवलिंग जो करते रहे सारे। उसके लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे, इनके चैनल का मैं लिंक डालूंगा, आप जाके इसकी सारी वीडियो चेक करना कि किस तरह ये बंदा फ्री में अकेले अकेले मजे कर रहा है और किस तरह इतने जो अपना जाहिर बात है आपके पास रिसोर्सेज समटाइम होती है समटाइम नहीं होती, आप चाहते हो कि यार एक्सप्लोर करो ज्यादा से ज्यादा, तो इस तरह गोरख हिल किया है, मूला चटक किया है, मूला से और भी ज्यादा और आगे ऑफ रोड, तकरीबन समझ लें कि 18 घंटे की खुशदार से हमें ऑफ रोडिंग हमने की थी उसमें, और वो मैंने 190 रुपीज में, 190 रुपए बताओ यहाँ दर्दा लेके जा रहे हो भाई साहब अकेले 190 रुपए में जा रहे हैं, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। आपको इस अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो अभी ये है कि अरसलान भाई काफी कुछ इन्होंने अचीव किया, तकरीबन सिंध में इन्होंने काफी ट्रैवलिंग की है, सिंध और बलूचिस्तान मेरा एम रहा है वैसे, लेकिन आप जो इनका अभी आगे इनसे डिस्कस करते हैं कि आगे के प्लान क्या है। आज तकरीबन दो दिन है, अभी दो दिन के बाद ये कराची में नहीं दिखेंगे आपको, पाकिस्तान के रोडों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अरसलान भाई आगे के आपके क्या प्लान है? देखो अभी जो मेरा जो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल प्लान जो जा रहा है, नेक्स्ट लेवल मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि मेरी जिंदगी की फर्स्ट लॉन्ग हिचहाइक होगी, अभी तक मैंने जब भी किया तो 3 दिन से ज्यादा की हिचहाइक नहीं की, तो मेरा लोकेशन ही अच्छी होती है 3 दिन से वापसी में हो जाता है। तो अब मेरी जो है डेज अराउंड 45 to 50 days है, 45 to 50 days, 45 to 50 days। आपने सुना शायद सही नहीं होगा, 45 to 50 days है, उसमें ये हिचहाइकिंग करेंगे, हिचहाइकिंग सिंपल लिप ले लेके ये जाएंगे। तो आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी, कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ पे जाके एंड होगा? अच्छा सबसे पहली बात, वो जो किलोमीटर जो मैंने थोड़ा सा एस्टीमेट लगाया वो कोई अराउंड 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर के करीब बन रहा है। सही। तो वो आना जाना सारा सब कुछ मिला के जो भी डेस्टिनेशन है, और इसमें कोई अराउंड 30 सिटीज अराउंड मैं इनको एक्सप्लोर करता हुआ जाऊंगा। तो क्या रूट क्या होगा, किस तरह की? लेकिन जो मेन चीज आपको बताता चलो, ये सारे 30 सिटीज होंगे सारे नॉर्थन एरिया, सिंध पंजाब को भूल जाए, सारी ब्यूटी है नॉर्दर्न एरिया की। तो ये इतनी अच्छी, इसमें दो चीजें ये कर रहा है, एक तो सारी बात आपको बता रहे फ्री में ट्रेवलिंग, और टूरिज्म का आजकल दौर चल रहा है, हर बंदा प्रमोट कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी ना तरीके से प्रमोट किया जाए टूरिज्म को, तो इसका भी अपना पार्ट एक इसमें जो कहते हैं ऐड होने वाला है। बिल्कुल। तो जो नॉर्दर्न की जो ब्यूटीज है वो भी इंशाल्लाह, इसके डेली क्या डेली व्लॉग्स आएंगे, किस तरह आएंगे? हाँ, मैं डेली का डेली शूट करके एडिट करके सोने से पहले, मेरे अपने कैंप के अंदर सोने से पहले एक मैं अपलोड लाजमी करूंगा, ताकि मेरे ऑडियंस को, मेरे देखने वाले चाहने वालों को पता चलता रहे कि आज का दिन मेरा कैसा गुजरा और कहाँ पर हूँ और बाकी किस किस तरीके से मैंने कहा किस किस तरीके से पहुंचाऊंगा। सही सही ये तो अच्छा, अभी डेली अपलोड और एडिट पे मसला नहीं होगा, मतलब ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, कोई आपके पास खास इतने इक्विपमेंट भी नहीं होंगे किस वजह से आप मशीन आपकी पूरी आप एडिट कर रहे हो, डे टू डे अपलोड भी कर रहे हो? हाँ, ये हो जाएगा ये, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अच्छा मैं अपना इक्विपमेंट भी लेके घूम रहा होता हूँ, तो ये भी आपको पता है मैं अपना हेलीकॉप्टर ड्रोन वगैरह ये सब कुछ लेके चल रहा होता हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसकी जो कम्प्लीटली एडिट जो मैं अभी आजकल भी करता रहता हूँ उसकी जो मेरे चल रहा है वो कम्प्लीटली एडिट मैं मोबाइल फोन पे करूंगा। तो इजीली हो जाती है उसमें, मसला तो नहीं होता? इजी तो नहीं, क्योंकि मैं रूटीन में हो चुका हूँ, प्रैक्टिस हो चुकी है एडिटिंग का, वैसे मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, तो ये मेरे लिए इजी होगा। सही। अभी एक मेन चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 30 सिटीज वो है कौन से ताकि हमारे अभी ये कहीं भी इसने डिस्क्लोज नहीं किया है इसका प्लान क्या है। तो अरसलान भाई ने हमें मौका दिया है कि वो इस पॉडकास्ट के थ्रू अपना जो है ट्रैवल प्लान जो है वो बताएंगे, उनके रूट मैप भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
अच्छा सबसे पहला जो मेरा जो एम है ना वो दो मेगा जो एम है वो जो मैंने उनके लिए मैं और सिटीज भी ट्रैवल करता रहूंगा लेकिन दो है, एक तो कुमराट वैली है, कुमराट वैली अपर दीर से भी ऊपर 5 घंटे की ऑफ रोड है, सही अपर दीर के ऊपर वो भी, और कुमराट वैली अनडिस्कवर्ड प्लेस है, बहुत कम लोग गए नाम सुना है मैंने लेकिन इतनी ज्यादा तो मैंने वीडियोस कोई मैंने पोस्ट नहीं देखे, बहुत कम लोग गए, और क्योंकि मजे की बात है कि वो जंगल है, पूरा जंगल है, वो जंगल है उधर, फिर मकामी लोग भी बहुत कम लोग, फिर डिस्कवर क्या करना है वो है किस टाइप का वो, क्योंकि मैंने जो फोटोज में देखी है तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि यार ये जंगल, मुझे एक्चुअली एडवेंचर का बड़ा शौक है तो मैंने, मेरा प्लान है कि मैं वहाँ पे 4-5 दिन जो जिस तरह रहूंगा, मैं डिस्कवरी के ऊपर बेयर ग्रिल्स को बहुत फॉलो करता हूँ, मैं स्काउट भी हूँ, कछुए तो नहीं, ट्रॉट फिश वगैरह पकड़ के वो कुछ इस किस्म का, मतलब फुल प्लान के साथ चल रहे हैं कि जबरदस्त, एक तो वो, दूसरा है कि चिलास हो रहा हूँ चित्राल में, कलाश में जिस तरह के लोगों का चिल्लम जोशी का एक फेस्टिवल होता है बेसिकली इनके मई जून के मई में 12 मई को शायद इसका 11 to 14 मई तो उनका वो एक बड़ा जबरदस्त कोई कल्चरल हेरिटेज है हमारी तो उसकी भी जाहिर की बात है बिल्कुल वो आपको भी ब्लॉग में दिखेगा इंशाल्लाह बाकी इसके लिए दुआ करो कि इसके लिए जो ट्रैवल है वो इजी हो और इसको कोई मुश्किल ना आए देखो मैं मेंटली तो तैयार होता हूँ ऐसी बात है वो तो मैं मेंटली तो तैयार हूँ कि मेरे लिए बहुत हर्डल्स होने वाली हैं बहुत मुश्किल आने वाली हैं तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक अभी तक जितने मैंने डिस्कवरीज की हैं जितना मैं हिचहाइक के थ्रू गया हूं तो मुझे बहुत अच्छा आपको लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको कहीं आपको ड्रॉप कर देते कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं यार अभी तक मैंने जितनी वीडियोस हमारी देखी शायद कोई मिस है ऐसा हुआ नहीं है हाँ ऐसे अल्लाह का शुक्र है तो एक हुआ है लेकिन उसको मैं वीडियो में दिखा नहीं सका और वो बता सकते हैं आप हाँ, बता तो सकता हूँ तो भाई देखो आज आपको ये वो भी बताएंगे जो इनके साथ अभी तक नहीं हुआ है तो मतलब इन्होंने वीडियो में आज तक नहीं बताया लेकिन आज यहाँ पे बता रहे हैं वो डिस्क्लोज कर रहे हैं एक्चुअली बस उसकी वीडियो तो बना नहीं सका वो सिचुएशन कंडीशन ऐसी थी और मेरा वो फर्स्ट ट्रिप ही था सही लेकिन वो जो हुआ था ना वो अगर मेरे अलावा मुझे ऐसा लगता है मुझे मैं बड़े बोल से तौबा करूं मेरे अलावा कोई और होता ना तो वो ये हिचहाइक नहीं करता वो करता ही नहीं वो ना तो हुआ क्या था हुआ कुछ ऐसा था कि नगर पार्कर से हम वापस आ रहे थे अच्छा नगर पार्कर हो गया और एक दो और ये नहीं सखर हो गया इसके इनके ट्रैवल लॉग्स में इनके हिचहाइकिंग में अपने दोस्त को लेके गया था वो साथ था वकार अहमद पहले में था पहले ये फोर्थ में भी था फोर्थ में सखर वाले में सही तो हमारे साथ हुआ ये था कि अब नगर पार्कर से हम वापस आ रहे हैं और नगर पार्कर से आगे आते इस्लाम कोट इस्लाम लेकिन हमें ना वह हर हाल में सुबह एक मेरी मीटिंग थी वकार को जाना था ऑफिस तो हर हाल में हमने प्लान था कि हम पहुंचेंगे लेकिन क्योंकि इस्लाम कोट से नगर पार्कर जो है ना वो हमें जो सुबह जाते हमने सोचा था 2 घंटे का रास्ता है वो हमारे लगे थे 15 घंटे हमने फिर हाइकिंग की है उधर लिटरली 15 घंटे की आज चल 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 क्योंकि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिल रही कोई जा ही नहीं रहा वहाँ पर वो पता नहीं क्या 15 घंटे में चल के गए क्या थी नहीं लेकिन 15 घंटे में रुक के हम वहाँ जब पहुंचे ना तो हमें 15 घंटे आराम से हो गए थे वो तो हमने और हालांकि हमने कराची से इस्लाम कोट अराउंड 450 किलोमीटर का रास्ता है वो हमने किया था 12 घंटे में हाँ क्योंकि नॉर्मली हाईवेज होते हैं हाईवे पे आपको लिफ्ट इजीली मिल जाती है जब आप थोड़ा सा शहर के अंदर दाखिल होते हो तो वहाँ आपको थोड़ा सा मुश्किल आती है और देखो जो 400 किलोमीटर जो है वो तक 12 घंटे में किया और 2 घंटे का जो सफर था वो तक 15-16 घंटे वो 70 किलोमीटर था इस्लाम कोट से नगर पार्कर वही बिल्कुल अच्छा वही है कि फिर हम जब वापसी हमने सोचा कि हमने पहुंचना है तो वहां पर हमें एक ट्रक मिला इस्लाम कोट हम पहुंच चुके थे वापसी इस्लाम कोट से अब वही 450 किलोमीटर वापसी कराची आना था और हमारे पास ज्यादा नहीं हमारे पास 10 घंटे थे वो भी रात के 10 घंटे अब रात के 10 घंटे में हमें पहुंचना था हर हाल के अंदर कराची तो लेकिन मैं वकार को और मैंने थोड़ा सा सेटिस्फाई कर लिया था अपने माइंड को हमें लिफ्ट नहीं मिलने वाली
होटल में हम खाना खा रहे थे, वहां पर एक ट्रक आके रुका और उससे मैंने पूछा कि यार क्या आप हमें वहां तक छोड़ दोगे? अच्छा ये हिचाइकिंग की बहुत अच्छी ट्रिक होती है, आप होटल और अपने पेट्रोल पंप्स इन जगहों पे जहाँ पे जो भी आके रुक रहे हो उनसे आप पूछो तो वो अच्छा फेवर मिल जाता है, तो इजीली हो जाता है, एक रिलेशन कायम हो जाता है इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। आप मतलब यार 15-20 सेकंड होते हैं आपको जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई या तो मिली या तो नहीं मिली। हाँ वही बात है, लेकिन हमसे ज्यादा ना हमने क्या, मैंने क्या करना है, मैंने तो पूछना है अगले बंदे ने एतबार करना है, उसके लिए डिसीजन लेना बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ी उसने जो रैपिड डिसीजन लेना था ना। अच्छा उसने किया ये था कि उस ट्रक वाले ने कह तो दिया कि हाँ चल लेना, लेकिन वो कंफ्यूज था, वो उसने कहने के बाद ना वो कंफ्यूज बात फिर क्या किया, उसने कहा कि देखो मैं आगे मिट्टी तक उतर जाऊंगा, मैंने वहां से एक पेमेंट लेनी है और मैं अगर पेमेंट मिल गई तो मैं कराची के लिए निकल जाऊंगा, नहीं मिली तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। अब हमने कहा वो अच्छा उसका ट्रॉला था बैग पूरा ओपन ट्रॉला, उसके पीछे एक चारपाई बंदी भी थी, हमने कहा कोई मसला नहीं हमें मिट्टी तक छोड़ देना, हमें नहीं पता मिट्टी में किस जगह छोड़ेगा क्या छोड़ेगा, हमने कहा बस छोड़ देना छोड़ देना। अब वो हुआ ये कि मैं और वकार हम लोग पीछे बैठ लेटे, हमारी आंख लग गई, अच्छा अच्छा खासा टाइम हो गया, अब मुझे ऐसा फील हुआ कि उसने मिट्टी से पैसे ले लिए और निकल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रक ज्यादा रुका ही नहीं, चले जा रहा चले जा रहा चले जा रहा, और ट्रक पूरा खाली होता तो वो लहरें मारते हुए लेके जाते हैं। और हुआ ये कि बीच रास्ते में अराउंड कोई बदीन के आस पास ना रात में चार पाई मेरी आंख खुली, चार पाई के दो पाए टूटे हुए, लिटरली दो पाए टूटे हुए। और अच्छा मजे की बात वकार हेल्दी है ना, मैं तो उसके लिहाज से वेट मेरा ज्यादा नहीं है। अब चार भाई यूं हिलती रहती हिलती रहती हिलती रहती है और हम लोग बैठे हैं तो उसकी किसी तरह टांगे यूं दोनों नीचे चली, एक इस तरह की दो चिरी चारों नीचे चली, वकार की तरफ से टूट गई। अब वो वकार और उस रस्सी बंधी थी, हम उसके रस्सी के थोड़ा अंदर थे तो हम वहां पे लटके रह रहे, वो पीछे वो मरता हुआ गाड़ी लेके जा रहा, हमें कोई उसको फिक्र ही नहीं कि बंदे है नहीं है जिंदा है क्या है, हम लोग चले जा रहे। फिर उसने किया ये कि उसने मैंने फिर वकार उठाया, मैंने कहा वकार उठ उठ, अब वो एकदम उठते क्या 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 हो गया क्या हो गया। अच्छा जब नींद से बंदे को उठाओ उसको पता चले कि भाई तू मरने वाला हो, ओए क्या कर रहा है वो, तो मैंने उसको बोला नहीं रुक रुक रुक, उसने मेरा हाथ, मैंने उसका हाथ पकड़ा होता पहले से, मैंने कहा रुक रुक आराम से, चलते हुए ट्रैक में हमने अपने आप को संभाला और बीच में आके ट्रक के लेट गए। तो अब बैठ गए तो बैठ गए तो लेट ओपन था ट्रक पूरा ओपन था, वो जिस होते जिनके ऊपर कार्गो वाले जो होते हैं हां जिनके ऊपर कंटेनर रखे जाते हैं ना वो खाली था, वो 22 व्हीलर वो कंटेनर नहीं था, अच्छा ओपन था, ऊपर चारपाई थी और चारपाई बंदी की थी और हम चारपाई के ऊपर लेटे हुए, वो टूट गए वो टूट गए। देखो भैया इजी नहीं है, करने से पहले सोचो उसके बाद करो, लेकिन एडवेंचर इसी का नाम है, ट्रैवल है ही एडवेंचर, और इस तरह की वाकयात आते हैं, लेकिन एक ही वाकया हुआ है इस तरह का अभी तक फिलहाल एक ही हुआ है, तो लेकिन बस वही बात है कि हर किस्म के वाकयात से रेडी रहना पड़ता है और मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। लगा कि काफी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर वो रेडी हो गए थे, लेकिन इस बात में नहीं भाई अब थोड़ा नीचे आओ, ये बंदा तो पागल है, हमें ही मरवाएगा, खुद भी मरेगा हमें ही मरवाएगा। तो देखो वही तो बात है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये मैं अपने शौक के लिए कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और इस तरह भी ट्रैवल किया जा सकता है, क्योंकि जब इंटरनेशनली लोग बहुत सारे पाकिस्तान में आके इस तरह ट्रैवल करके जा रहे हैं और पूरी दुनिया में अपने दूसरे मुल्कों में इस तरह ट्रैवल करें, हम अपने मुल्क को इस तरह एक्सप्लोर क्यों ना करें। अच्छा इस जिसके ट्रिप प्लान है वो सबसे बड़ी बात, एक तो गर्मियां है, दूसरा रमजान के बीच में इसका ट्रिप है। मैंने उसको कहा कि भैया रमजान के बाद चले आया था, लेकिन इसने कहा टाइम राइट की बात है, बिजी है, सबके अपने अपने स्केड्यूल होते हैं, इसके आगे ट्रिप भी हैं जो ये नेविगेशन हम था है, क्या हाल है अभी भी स्पॉन्सर दे दो तो इसके नेविगेशन के साथ कर रहा होता काम, डिफरेंट ये एजेंसीज के साथ वर्क कर रहा है, तो उसके आगे के प्लान पूरे हैं, बाकी फोटोग्राफर से हम दोनों तो राइट की बात है आपकी इवेंट्स की कमिटमेंट्स है, रमजान ही इसके हिसाब से बेस्ट था, तो इसने कहा कि बिल्कुल इसी को किया जाए, जाहिर सी बात है एडवेंचर है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि दो चीज होती है, तो पैसा या तो टाइम, बिल्कुल ऐसे ही है। अब इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास पैसा है कि मैं ट्रैवल खुद कर सकता हूँ, सही है, लेकिन वो मुझे मजा नहीं आता उस ट्रैवलिंग में, ये मुझे मजा नहीं आता। अब मुझे मजा सिर्फ जब आता है कि जब मैं ट्रैवल करूं अलोन, सोलो ट्रैवल करूं, नए दोस्त बनाऊं, ऐसे बंदों से मिलूं जो मुझे जानते नहीं है फिर भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, फिर भी मुझे दोस्ती बना रहे हैं, फिर भी मुझे सब मुझे खाना खिला रहे हैं, फिर भी
वो एक अलग ही मजा आता है और हर टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपको बड़ा एक हकीर समझ रहे होते हैं कि अब क्या कौन क्या कर रहा है, पागल है, कैसे घूमने आ गया, पैसे नहीं है, ये नहीं है। अभी ये है कि असलम इसकी क्या ट्रिप्स की टेक्निक्स होती है, इसको किस तरह किया जाता है? हाँ, मेरा एक प्लान है, मैं अपने चैनल के ऊपर ना आप लोगों के साथ एक शेयर करूंगा एक प्रॉपर तरीके से रूल्स। सही है कि हिचहाइकिंग के रूल्स होते हैं। अच्छा, इसके रूल्स भी होते हैं? हाँ, कुछ रूल्स हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ता है। एक्चुअली रूल्स क्या है वो आपके अपने एक्सपीरियंस और आपका कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए करके आपको समझ आएगी कि यार ये इससे फायदा हो रहा है। हाँ, मुझे जिससे फायदा हो रहा है। और मजे की बात, बहुत सारी चीजें मैंने अपने बहुत दूसरे यूट्यूबर्स को जो हिचहाइक करते हैं उनको मैं फॉलो किया, उनकी तरफ से मुझे पता चले कुछ, आगे फिर मैं उनको यूज कर रहा हूँ, तो वाकई वो जो रूल्स वो कहते हैं वो बता रहे हैं वो वाकई हेल्पफुल है। सही, तो वो एक डिटेल वीडियो में अपने साथ शेयर करूंगा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हर बंदा जाहिर सी बात है इसको वो नहीं कर सकता, हर बंदा इसको हिचहाइकिंग नहीं कर सकता, तो हिचहाइकिंग इजी ज्यादा इजी मतलब क्या ग्रुप के साथ की जा सकती है? नहीं, मैं अगेन वही कहूँगा कि मुझे बहुत सारे लोग इस तरह मैसेज करते हैं, बहुत सारे दोस्त जो मेरे पास फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर मेरे पास मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनका यही होता है कि यार हमें भी अपने साथ लेके चलो, हमें भी अपने साथ लेके चलो। ऐसे ही है। अब आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हिचहाइकिंग जो कि सोलो में आप जितनी अच्छी बेस्ट हिचहाइकिंग कर सकते हैं ना, ग्रुप में आप नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने आप जब आपको पहले बताया कि अभी मेरे साथ जो वाकया जो फर्स्ट टाइम हुआ था जो कि मैंने आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम भी बताया, तो वो ये था, वही अगेन वही बात है कि उसके अंदर अगर वकार मेरे साथ नहीं होता, वो मेरा दोस्त नहीं होता, तो शायद मैं और ओपन रहता, टेंशन ना आती। लेकिन अगेन वही बात है, उसकी जिम्मेदारी थी मुझ पर। सही, तो लेकिन मैं हर किसी को कभी अपने साथ लेके जाना ना प्रिफर करूंगा ना लेके जाता हूँ। और अगेन वही बात है, सोलो के अंदर जितना अच्छा मजा करेंगे, क्योंकि आपने नए दोस्त बनाने होते हैं, नए लोगों से मिलना होता है, अच्छा एक्सपीरियंस करना होता है, तो मैं ये मेरा ही मानना है कि मुझे सोलो ट्रैवलिंग में ज्यादा मजा आता है। सही 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 सही, मतलब ग्रुप के साथ फिर क्या किया जाए जो ग्रुप करना चाहते हैं? हाँ, ग्रुप के लिए आप लोग अगर फिर भी आप लोगों को एडवेंचर का बड़ा शौक है, आप चाहते हैं इन्हीं प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, तरीका कुछ चेंज होना चाहिए, तो वो तरीका चेंज होगा कि नेविगेशो के नाम से एक मार्केटिंग करता चले फिर से। नेविगेशो राहील नागरा दाव याद रखना। नहीं करेंगे, चलो आपको स्पॉन्सर करेंगे। नेविगेशो एडवेंचर और टूर के नाम से एक कंपनी है जो कि मोस्ट ऑफ टाइम मुझे स्पॉन्सर करती है मुझे। अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, स्पॉन्सर होता है ना तो एक थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिल जाता है। जाहिर सी बात है, आप टाइम लगा रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले ताकि इसको आगे इसको प्रमोट किया जाए। अभी इसने तकरीबन साल हिचहाइकिंग किया, सिंध के अंदर काफी इसने किया है, अब इतना इसको जाहिर सी बात है बैक सपोर्ट हुआ डिफरेंट तरह से डिफरेंट लोगों से, राइट, मतलब एप्रिसिएशन समटाइम बहुत होती है, समटाइम स्पॉन्सरशिप कुछ आपको थोड़ा सा मिल जाए, तो उस बिहाफ पे इसने एक बड़ा स्टेप लिया कि इसको आगे जो है नॉर्दर्न एरिया तक की हिचहाइकिंग करके जाएगा 45 डेज का, वो भी रमजान के अंदर। ईद भी वहीं पे करने के बाद ईद का एक बड़ा सरप्राइज है। अच्छा, ईद का सरप्राइज है और इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ मैं ईद से कुछ 10-15 दिन पहले शेयर करूंगा, तो वो फिर आप चैनल को फॉलो करते रहो, करते रहें, तो इसको बड़ा सरप्राइज मैं करना चाह रहा हूँ, एक यूनिक तरीके से मैं मनाना चाह रहा हूँ, और आई होप कि वो उसमें आप लोग देखेंगे, उसको लाइक करेंगे। वैसे एक सवाल है मेरा, अभी भी आया सवाल, मुझे लगता है अरसलान ने अपनी बारात भी ना लिम खिंचा के करते छोड़ दो, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है जरा। अपना प्लान तो बिल्कुल भरपूर भरा हुआ ऐसा करने का, कुछ है कुछ ऐसा करने का, लेकिन बस वही बात है कि कभी कुछ सराउंडिंग्स और आपके साथ जो आपकी बेटर हाफ है वो कभी नहीं मानेगी इस तरह की, तो वो फिर मतलब इरादा है आपका ही करने का। यार इरादे तो बहुत है, तो बस उम्मीद है इरादे के फिर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज का आपका एपिसोड जो है आप लोगों को काफी पसंद आया होगा, मुझे भी काफी मजा आया डिस्कस करके इसके साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर मैंने इसके साथ स्टोरीज की हम लोग की मीटअप होते रहते, तो मैंने इससे काफी सारी चीजें पता है, लेकिन काफी सारी चीजें मुझे भी याद तरह चली थी कि वो उसका जो ट्रक वाला सीन था वो भी पता लगा, और काफी सारी चीजें इस तरह की सीखने को हमेशा मिलता है, जब भी आप किसी से मिलते हो तो उसकी आप कोई ना कोई अच्छी चीज कोई बुरी चीज आपको समझ में आती है कि यार हाँ ये बंदे में है ये हमें सीखने से मुझे फायदा होगा। तो हिचहाइकिंग से इंशाल्लाह देखो हमारा भी शायद कोई रिसेंट छोटा मोटा ट्रिप कोई हम भी हिचहाइकिंग करके शायद करें अरसलान भाई के साथ, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब करिएगा, मेरा भी और अरसलान जोकियो राहील नागरा दोनों पे, और मेरे उस पर जरूर आप बेल आइकन पे
जो है क्लिक करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको फिर उसको मिलते रहेंगे और कोई भी जो आपकी जो वो है अपडेट है वो आपके साथ मिस नहीं होंगी। तो बस अपना ख्याल रखिएगा और बस अल्लाह हाफिज, बाय बाय, मिलते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले और पॉडकास्ट में।